आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक सत्संग एवं यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान करतारपुर गुरुकुल के अध्यक्ष ध्रुव मित्तल, डॉक्टर आर्य अनुज और साधना कुमारी ने यज्ञ वेदी पर उपस्थित होकर विशेष आहुतियां प्रदान की। इस अवसर पर यज्ञ ब्रह्माचार्य सुशील आर्य ने पवित्र पावन वेद मंत्रों द्वारा यज्ञ को सम्पन्न करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायिका सोनू भारती और रवि पौडवाल ने ईश्वर भक्ति के भजन सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के महामंत्री हर्ष लखनपाल ने मंच संचालन किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आए हुए सभी याज्ञिक परिवारों का धन्यवाद व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, सुनीता रानी, पूनम मेहता, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, जसविंदर कालिया, बैचनाथ, राजीव शर्मा, वेद प्रकाश भाटिया, पवन महाजन, बबलू यादव सहित आर्य समाज के समूह सदस्यगण मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। हम सभी इनके विचार यदा कदा ही आर्य समाज के मन से सुनते हैं और हमने अक्सर इन महानुभावों के विचारों को जब हम फॉलो करते हैं तो हम अपने जीवन में सुधार लेकर आते हैं। आज बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि डॉक्टर अनुज आर्य, उनकी धर्मपत्नी, अपने परिवार सहित और सभी बंधुओं के साथ यहाँ इस आर्य समाज के पवित्र यशशाला में उपस्थित हुए हैं। आचार्य जी ने बहुत ही शुभ भाव से चारों वेदों के मंत्रों द्वारा और स्वाहा स्वाहा की उपदियों द्वारा आज यह यज्ञ संपन्न कराया। हम सभी इस यज्ञ के धारक बने, हम सभी ने इस यज्ञ को सुना और जिन्होंने भी इस यज्ञ की वेदी में इस हवन कुंड पर जो आहुतियाँ डाली हैं, परम पिता परमात्मा से यह मंगल कामना करता हूँ कि परम पिता परमात्मा उन सभी परिवारों की मंगल कामनाएं पूरी हो। बहुत ही मार्मिक प्रवचन सुना, धर्म की उन्होंने पूर्ण रूप से व्याख्या आपके सम्मुख रखी। आर्य समाज में इस तरीके के विद्वानों के विचार हमारे को मिलते रहते हैं जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाने के लिए बहुत ही प्रभावी ढंग से हमारे में परिवर्तन लाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे को सत्संग करने को मिलता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से हमारे मन में उसी तरीके के भाव पैदा होते हैं और जो उन्होंने पहले कथा बताई कि धर्म को ना छोड़ो तो बाकी सब कुछ वापस आ जाता। धर्म के ऊपर चलते रहने से आपको कुछ देर के लिए दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसकी वजह से जितनी आपकी चीजें हैं वो आपको वापस आती है। जिसमें हम वर्णमाला से लेकर के और शास्त्रों के अध्ययन तक का जो क्रम है उस क्रम को निरंतर बताते हैं और पढ़ाते हैं। यदि कोई भी महानुभाव हमारे बीच से शास्त्रों को समझना चाहता है, स्तोत्रों को पढ़ना चाहता है, वेद को समझना चाहता है, जैसे श्रीमान आचार्य जी ने कहा कि हमको सद्विद्या का अध्ययन करना चाहिए, पुराणों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, उसके लिए जो उसकी भाषा है वो संस्कृत है। कई बार हम क्या करते हैं, गीता की पुस्तक उठा लेते हैं पढ़ने के लिए और संस्कृत समझ में नहीं आती है और पुस्तक को उठा करके फिर रख देते हैं, फिर दोबारा नहीं उठाते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा नहीं उसकी समझ आ रही है। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उन सभी की भाषा संस्कृत भाषा है। यदि संस्कृत भाषा की कुछ बारीकियों को हम समझ जाते हैं तो हमको संस्कृत पढ़ने में सरलता और सुगमता होती है। यदि आप में से कोई अधिक जान, अभी समय का अभाव है इसलिए मैं कम ही बोल रहा हूँ, यदि आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, एक मैं आपको पंपलेट दूंगा, उसमें मेरा नंबर लिखा हुआ है, गुरुकुल का भी उसमें नंबर लिखा हुआ है। आप अधिक जानकारी के लिए गुरुकुल के प्राचार्य श्रीमान उदयन आर्य जी से संपर्क कर सकते हैं अथवा मेरे से संपर्क कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। परंतु सर्टिफिकेट कोर्स जो है उस कोर्स का शुल्क भी उसमें निर्धारित है और कोर्स जो है पूरे साल भर का है। यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स को कर लेते हैं उसके बाद आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं, उसके बाद अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप शास्त्री आचार्य इत्यादि विषयों को भी कर सकते हैं। घर
उस विशेष क्या है कि मुख्य यजमान जो हमारे बीच में आ रहे हैं जी, धर्मपत्नी सारा जी, पूरे परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, मूल रूप से बिहार से हैं, एनआईटी में वो ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं और बहुत ज्ञान इनके अंदर है। वक्त आएगा इनसे ज्ञान वर्धक बातें सुनेंगे, क्योंकि आर्य समाज के स्नातक तो पूरा परिवार आर्य परिवार है। तो मैं इनका बहुत अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर आकर के। उन्होंने जिस यज की हमारा जो लगातार पिछले 8 साल से हर रविवार का नया यजमान यहाँ पर बैठे आकर के, उस गरीब को आपने आगे जोड़ा है। इसी प्रकार हमारे अगले सप्ताह के जो यजमान होंगे वो भी मुंबई से विशेष करके यहाँ जलंधर आ रहे हैं रविवार को। और कमिश्नर थे वहाँ पर मुंबई में, उनके सपुत्र भी 50 वर्ष उनकी आयु हुई है, वो आर्मी में बहुत उच्च पद पर कार्यरत जम्मू में आई तो पहुंचते गए। उन्होंने विचार किया कि 50वीं वर्षगांठ में अपने विवाह की वर्षगांठ इसी आर्य समाज में मनाऊंगा। बड़ा सौभाग्य है आपको, आप सभी को जानता है कि आपके जो सहयोग से इतना सुंदर आयोजन जो मीडिया द्वारा हमारे हंसा चैनल से तो पूरे भारत के देश में भी इनका चैनल चलता है, लोग देखते हैं कि आर्य समाज में किस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। उस कड़ी को कभी उनको मैं उनको बधाई पाती है पात्र है उसकी चीज। और हम जब लाइव चलाते हैं तो उससे कहीं पता चलता है कि यहाँ आर्य समाज है। तो आर्य समाज का काम लोगों को जोड़ना है, लोगों को जोड़ रहे हैं, परिवार को जोड़ रहे हैं। तो आर्य यज्ञ भी हमें इधर वम की भावना, यज्ञ क्या कहता है इधर वम मेरा नहीं, अब यज्ञ करें, यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। तो आज हमारे बीच में आचार्य जी ने भी बहुत सुंदर विचार